सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से लीबिया और म्यांमार दो कंट्रीज़ हैं जहां पर जो है डेमोक्रेसी को लेकर किस तरीके से स्ट्रगल वहां पर हुआ था, किस तरीके से मिलिट्री के जो रूलर्स थे उन्होंने क्या क्या था डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था, और अपोजिशन के जो मेन लीडर्स जो थे उनको क्या कर दिया गया था, जेलों में डाल दिया गया था, हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, ये सब बातें हम लोग देखे हैं। अब हम लोग जब इतना डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कर रहे हैं तो ये डेमोक्रेसी होता क्या है और इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई एक जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है कि नहीं है। जैसे हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि जो अमेरिका है ये दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ पर ऐसे क्या क्या रूल्स हैं, नियम है, कानून है, जिसके कारण से उसको सबसे पुराना जो है डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। उसी तरीके से हमारा जो इंडिया है, हमारा जो प्यारा भारत है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्ज डेमोक्रेसी है। अमेरिका सबसे ओल्ड डेमोक्रेसी है तो इंडिया सबसे लार्ज डेमोक्रेसी है। तो हम इंडिया को सबसे ज़्यादा लार्ज डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर ऐसी हैं, वो बातें हम लोग इस चैप्टर में जो है क्या करेंगे, डिस्कस जो है करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आफ्टर 1950 मेनी कंट्रीज लिबरेट फ्रॉम कॉलोनाइजेशन बिगेन एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन द 1980s एंड 1990s द डिक्लाइन ऑफ द कम्युनिस्ट रिजाइम सॉ द फर्दर स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। आफ्टर 2010 कंट्रीज लाइक लीबिया एंड म्यांमार रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट डिक्टेटरशिप एंड ऑल्सो ऑप्टेड फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखो, आपको पता है कि पूरी दुनिया में अभी तक दो वर्ल्ड वॉर हुए हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था 1939 से लेकर 1945, ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे। दुनिया में दो दो वॉर हुए थे, पहला हुआ था 1914 से लेकर 1919 तक, इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है, और दूसरा जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। तो यही जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो दूसरा वर्ल्ड वॉर में ना बहुत ज़्यादा जो है लोग मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा जो है क्या होता है पानी की तरह जो है बह जाता है, चाहे वो जीते हुए कंट्रीज का पैसा हो, चाहे वो हारे हुए कंट्रीज का पैसा हो। तो जब इतना ज्यादा वहां पर लॉस होता है तो जो कंट्रीज एशिया में अपने कॉलोनी बनाए हुए थे, जैसे ब्रिटेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर जो है अपनी क्या बनाई थी, कॉलोनी बनाई थी, उस कॉलोनी को कंट्रोल करने के लिए अब इनके पास सफिशियंट अमाउंट में ना तो पैसा था ना तो आर्मी था। तो इसी कारण से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है 1950 के आसपास जो है बहुत सारे जो कॉलोनी कंट्रीज थे छोटे छोटे, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या म्यांमार हो, या कोई भी कंट्री हो, वो धीरे धीरे क्या होने लगा जो है वो जो है इंडिपेंडेंट होने लगा। जैसे हमारा इंडिया जो है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हो गया था, म्यांमार जो है 1948 को हो गया था, चाइना भी 1948 में हो गया था, इंडोनेशिया भी हो गया था। तो जितने भी कॉलोनी कंट्रीज थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इंडिपेंडेंट जो है हो गए थे, और मैक्सिमम जो इंडिपेंडेंट हुए थे उनमें 1980s और 1990s तक जो है क्या हो गया था, वहां पर जो है जितने भी उनके यहां कम्युनिज्म वाला सिस्टम था या जो भी मोनार्की वाला सिस्टम था वो सब हटके जो है अब वहां पर धीरे धीरे जो है डेमोक्रेसी जो है एस्टैब्लिश जो है ऑलमोस्ट हो गई थी। कुछ कंट्रीज है जैसे लीबिया और म्यांमार, यहां पर 1980s और 1990s में डेमोक्रेसी नहीं आया था। स्टार्टिंग में भले ही कुछ साल के लिए डेमोक्रेसी था, लेकिन यहां पर बीच में जो है लीबिया हो गया, म्यांमार हो गया, यहां पर जो है डेमोक्रेसी नहीं थी। तो मैक्सिमम देश 1950s के बाद जो है क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, और 1980 और 90 के आते तक हर देश में जो है डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गया था। कुछ कंट्रीज थे लीबिया और म्यांमार जहां पर डेमोक्रेसी जो है 2010 के बाद जो है क्या हुआ था, इस्टेब्लिश जो है हुआ था। डिक्टेटरशिप इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रूल ऑफ द पर्सन हु एस्टैब्लिशेस टोटल डोमिनियन ओवर अ कंट्री। जब हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है कि पूरे देश का जो पावर है वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी के हाथ में जब पहुंच जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप जो है बोलते हैं। जैसे मान लो, जैसे आपका घर है, आपके घर में जो है 15 लोग रहते हैं, और आपके घर के 15 लोगों में से एक आदमी है मेन, वो ये बोलता है कि आज हम लोग इस आटे का बना हुआ रोटी खाएंगे, इस कंपनी का पानी पियेंगे, इस कंपनी का कपड़ा ओढ़ेंगे, इसके अलावा किसी से वो पूछता भी नहीं है कि तुमको ये रोटी पसंद है कि नहीं, तुमको ये पानी पीना पसंद है कि नहीं, तुमको इस कंपनी का कपड़ा पसंद है कि नहीं, तुमको इस कंपनी का मोबाइल चाहिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछता। वो अपना जो ओपिनियन है उसको सब पर जब अप्लाई करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप बोलते हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा अगर आपको बोल रहा है, मतलब वो क्या है, एक डिक्टेटर है।
ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे घर में एक आदमी पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरीके से जब किसी देश को एक आदमी पूरी तरीके से अपने हिसाब से चलाने की मतलब जरूरत करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, एक डिक्टेटरशिप जैसा काम कर रहा है। द डिक्टेटर टेक्स कंट्रोल ऑफ ऑल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, कर्नल गद्दाफी एंड जेन ने विन आर एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटरशिप। जैसे लीबिया में हमने देखा था कर्नल गद्दाफी था, फिर जेन ने जो म्यांमार में था, ऐसे अलग अलग देशों में जो थे वो क्या करते हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसके, डिक्टेटर्स के जो है एग्जाम्पल थे। ये बस अपनी बात चलाना चाहते हैं, किसी के सुनना नहीं चाहते हैं, इनको जो पसंद आएगा वो नियम है, जो पसंद नहीं आएगा वो क्या है, नियम के विरुद्ध है। सच इंडिविजुअल गेन द सपोर्ट ऑफ देयर आर्मी। अच्छा, ये जो डिक्टेटर जो बनते हैं वो जरूर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उनका मिलिट्री का सपोर्ट जो है उनके पीछे में जो है रहता ही है। बिना मिलिट्री के सपोर्ट के ये डिक्टेटर जो है नहीं बन सकते। दे सप्रेस ऑल पॉलिटिकल अपोजिशन टू एस्टैब्लिश सिंगल पार्टी रूल। अब ये जो डिक्टेटर होते हैं ये क्या चाहते हैं कि उनके देश में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की पार्टी रहे और कोई दूसरी पार्टी रहे नहीं। अपोजिशन पार्टीज को ये क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिक्टेटर्स सेंट्रलाइज ऑल पॉलिटिकल पावर इन देयर हैंड्स, दे रूल अकॉर्डिंग टू देयर विल, इनएक्टिंग लॉज एंड सच सूट देयर रिक्वायरमेंट्स। और ये जो डिक्टेटर जो होते हैं ये अपने हिसाब से जो है क्या करते हैं, नियम बनाते हैं, ना ही लोगों की भलाई के लिए। जैसे हमारे भारत में लोगों की भलाई को देखते हुए नियम बनाया जाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि। लेकिन जब किसी देश में डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो जाता है तो वहां का जो डिक्टेटर जो रूल बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है, लोगों को इससे बेनिफिट होगा या लॉस होगा उसके बारे में जो है सोचा नहीं जाता है। जस्टिस इज डिस्पेंस इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ देयर गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द अपोजिट ऑफ डिक्टेटरशिप एज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस। अब देखो, जितना हमने बात किया डिक्टेटरशिप का, तो जो जो क्वालिटीज डिक्टेटरशिप में होती है उसके अपोजिट फीचर्स किसमें होते हैं, डेमोक्रेसी में जो है होते हैं। अब देते हैं कि डेमोक्रेसी के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे चलता है ये। We learn about the evolution of democracy in Europe and its spread across the world in the history chapter. हमने हिस्ट्री में फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा और अलग अलग रिवोल्यूशन पढ़े, तो हमको पता है कि किस तरीके से जो है किसी देश में जो है डेमोक्रेसी जो है इस्टाब्लिश जो है होती है करके। The political development during the 18th and 19th century led to the decline in power of the monarchies in Europe. और सबसे पहले डेमोक्रेसी सिस्टम जो आया था वो यूरोप में ही आया था। 18th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि वहाँ के जो राजा थे, ठीक है, लुई 14 या जो भी थे, तो मोनार्की सिस्टम जो चलते आ रहा था यूरोप में उसको हटा कर जो है अब वहाँ पर दूसरे तरीके का गवर्नमेंट जो है बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है डेमोक्रेसी की शुरुआत हम मान सकते हैं कहाँ से हुआ था, यूरोप से जो है आज के डेट में हुआ था। द फ्रेंच रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रगल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द यूरोप। इन फ्रांस इटसेल्फ डेमोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश आफ्टर मेनी अप्स एंड डाउन्स एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। और इसकी जो शुरुआत हम लोगों को देखी जा सकती है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से जो है देखा जा सकता है कि किस तरीके से पहले फ्रांस में जो है क्या हुआ था, मोनार्की सिस्टम इस्टैब्लिश हुआ था, फिर वहाँ पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होने के बाद जो वहाँ पर प्रॉपर जो है 19th सेंचुरी के एंड में वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है इस्टैब्लिश हुई थी। अब इसको देख कर बहुत सारे जो यूरोप के, एशिया के, अफ्रीका के जो अलग अलग कंट्री थे वो इंस्पायर्ड हुए कि जिस तरीके से फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को हटा दिया गया है, अब वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी सिस्टम आ गई है, तो हमको भी हमारे देश में इस तरीके के सिस्टम को लाने की जरूरत है करके जो है बाकी सारे देश के लोग भी क्या हुए थे, इंस्पायर जो है हुए थे। द स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द 19th सेंचुरी वेर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। और उस समय जो डेमोक्रेसी की बात की जाती थी, उस समय के डेमोक्रेसी में दो तीन मुख्य बातें होती थी, जैसे पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी देश में जो सिर्फ एक ही पार्टी हो, अपने मर्जी से इलेक्शन करवा रही है, अपने मर्जी से सब काम कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, हर क्लास के लोगों के बीच में जो है क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, अमीरी गरीबी का फर्क जो है वहाँ पर जो है नहीं होना चाहिए। और तीसरा है जस्टिस, मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा आदमी है तो उसके लिए जस्टिस
जस्टिस का डेफिनेशन अलग होगा, जो गरीब आदमी है उसके लिए जस्टिस का डेफिनेशन अलग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उन 19वीं सेंचुरी में जो भी डेमोक्रेसी की बातें करते थे जो भी देश, वो इन तीन चीज़ों पर जो है फोकस करते थे कि पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और जस्टिस सबके लिए इक्वल होना चाहिए। इन बातों पर जो है 19वीं सेंचुरी में जो है क्या किया जाता था, फोकस जो है किया जाता था, तभी किसी देश को हम डेमोक्रेटिक कंट्री जो है बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक वर्ल्ड मैप आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो कुछ जो कंट्रीज हैं वो रेड कलर के दिख रहे हैं और कुछ जो कंट्रीज हैं वो कौन से कलर के दिख रहे हैं, येलो कलर के जो है दिख रहे हैं। अब जैसे ये देखो ये अमेरिका है, ये कनाडा है और इधर साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो ये जो रेड कलर जो दिख रहा है ना, ये रेड कलर आपको क्या दिखा रहा है कि 1900 से लेकर 1950 तक के बीच में जो है यहाँ पर जो है क्या हुआ था, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है इस्टेब्लिश जो है हो गया था। तो जो भी आपको लाल कलर दिख रहा है, ये लाल कलर वो देश हैं जहां पर 19 सेंचुरी के स्टार्ट में और 1950s तक जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया था। और ये जो येलो कलर जो दिख रहा है, ये सब येलो कलर जैसे हमारा इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर म्यांमार हो गया, ये सब येलो कलर में जो दिख रहे हैं, ये येलो कलर में दिखने वाले कंट्रीज वो हैं जिनके यहाँ जो है 1950 के आसपास या 1950 के बाद जो है वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है इस्टेब्लिश जो है हुआ था। हमारे इंडिया में भी डेमोक्रेसी कब आई थी प्रॉपरली अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 को आया था। भले ही हम इंडिपेंडेंट 1947 को हो गए थे, लेकिन जब हम प्रॉपर डेमोक्रेटिक अगर बात करें पेपर में तो वो हम 1950 में जो है हुए थे। इसीलिए हमारे कंट्री को यहाँ पर येलो कलर में जो है दिखाया गया है। फिर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर येलो कलर फिर दिया हुआ है, वही चीज़ें कि 1950s के आसपास जो कौन कौन से कंट्रीज जो है क्या हुई थी, डेमोक्रेटिक कंट्री जो है बनी हुई थी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर येलो कलर देखो, ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में हर जगह जो है क्या हुआ था, डेमोक्रेसी जो है इस्टेब्लिश हो गई थी। सिर्फ ये दो तीन जगह है जहां पर देखो आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर वो कंट्रीज हैं जो 2000 या 2005 के आसपास से जो है वो क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए जो है क्या कर रहे थे, स्ट्रगल जो है कर रहे हैं। तो दुनिया में कुछ ही देश हैं जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया या कुछ और हो गया, म्यांमार हो गया या चाइना भी हो गया, एक तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी 2005 के बाद से जो है स्ट्रगल चल रहा है कि वहां पर डेमोक्रेसी क्या हो जाए, इस्टेब्लिश जो है हो जाए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी इन 2 कंट्रीज वी रीड इन द लास्ट लेसन। हम लोग लास्ट लेसन में जो है दो चीज़ों के बारे में पढ़े थे या दो कंट्रीज के बारे में पढ़े थे, एक था हमारा लीबिया और दूसरा क्या था, म्यांमार। वहाँ का जो स्ट्रगल है उसको हम लोग तीन बातों में जो है समझते हैं। पहला है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की इन कर्नल गद्दाफीस रूल आफ्टर द लीबिया गेन इंडिपेंडेंस। जब लीबिया जो है अपना इंडिपेंडेंस गेन किया तो उसके बाद वहाँ पर जो है इलेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं हुए। वहाँ का जो आर्मी का जो चीफ था जिसका नाम था कर्नल गद्दाफी, उसने क्या किया वहाँ पर जो है अपना कंट्रोल जो है इस्टेब्लिश जो है कर दिया गया था। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री रूल इन म्यांमार आफ्टर द डेथ ऑफ आंग सान। अब उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ था, देखो म्यांमार में भी स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी था, लेकिन वहाँ का जो फेमस लीडर है जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था, जब उसका डेथ हो जाता है तो वहाँ पर भी मिलिट्री रूल जो है क्या होती है, एस्टैब्लिश जो है हो जाती है। द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी इन लीबिया एंड म्यांमार। और हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि किस तरीके से लीबिया के लोग और म्यांमार के लोग जो है डेमोक्रेसी के लिए क्या करते थे, स्ट्रगल जो है करते थे। तो ये तीन मेन बातें जो हम लोग लास्ट चैप्टर में जो है क्या किए थे, पढ़े थे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इन लीबिया एंड म्यांमार द पीपल डिड नॉट इलेक्ट द मिलिट्री लीडर्स हु कंट्रोल द आर्मी। अब देखो जो लीबिया और म्यांमार में जो मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हुआ था, तो जो मिलिट्री का जो हेड आदमी था उसको वहाँ के लोगों ने तो सेलेक्ट नहीं किया था। वो प्रॉपर एक क्या बोलते हैं, कोई भी आदमी आर्मी में जनता के द्वारा नहीं जाता है, वो एग्ज़ाम देता है, फिजिकल टेस्ट पास करता है, फिर उसके बाद आर्मी में जाता है। ठीक है, तो चाहे म्यांमार हो चाहे लीबिया हो, वहाँ के जो भी रूलर्स थे उनको जो है वहाँ के लोगों ने चुनकर नहीं भेजा था। द मिलिट्री लीडर्स सीज द पावर देमसेल्फ। वहाँ के जो मिलिट्री रूलर्स थे उन्होंने ज़बरदस्ती उस देश पर क्या कर लिया था, अपना कब्जा जो है कर लिया था, पावर पे, सत्ता पे अपना कंट्रोल जो है कर लिया था। द पीपल हैड नो रोल टू प्ले इन द डिसीजन ऑफ देयर गवर्नमेंट। और वहाँ के लोगों का कोई भी रोल नहीं था कि गवर्नमेंट कौन सा डिसीजन ले रहा है, कौन सा रूल ला रहा है, उस पर वहाँ के लोगों का कोई जो है इंटरफेरेंस जो है नहीं था। Governments that are elected by the people of country are known as democratic government.
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, एक ऐसा गवर्नमेंट जिसको वहां के लोग जो है क्या करते हैं, वोटिंग के थ्रू जो है चुनकर भेजते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अभी इलेक्शन का सीजन चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं और जिस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती है वो अपना गवर्नमेंट क्या करती है, एस्टैब्लिश करती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है हमारे इंडिया के गवर्नमेंट को जो है हम लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, क्योंकि हम तक वोट डालते हैं। तो ऐसे कंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स या डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है बोलते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दीज चूजन रिप्रेजेंटेटिव रन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि हम जो है कुछ लोगों को चुनकर भेजते हैं और वो लोग फिर क्या करते हैं, अपने बीच में के लोगों में से प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स वगैरह जो है क्या करते हैं, चुनते हैं और देश को जो है रन करते हैं। द पीपल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चूजिंग एंड चेंजिंग द गवर्नमेंट। अब देखो, अभी हमारे देश में किसका गवर्नमेंट बनेगा, बीजेपी का बनेगा कि कांग्रेस का बनेगा कि किसी और पार्टी का बनेगा, ये डिसाइड कैसे होता है, ये हमारे वोट से जो है क्या होता है, डिसाइड होता है, ना कि हमारे यहाँ के मिलिट्री डिसाइड करती है। तो हम जिसको भी चाहें, अगर हमें बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी लगती है तो हम उसको वोट देंगे, अगर हमें कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती है तो हम क्या करेंगे, कांग्रेस को ज़्यादा वोट देंगे, ज़्यादा सीटें जीतेंगी और वो फिर अपना गवर्नमेंट जो है क्या करेंगी, बनाएंगी। तो ये ऑप्शन जब किसी कंट्री में होता है कि वहाँ का गवर्नमेंट कौन बनाएगा, इसका जवाब जब वहां के लोगों के पास होता है, तो ऐसे कंट्रीज को डेमोक्रेटिक कंट्री जो है क्या होता है, बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरा डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब भी स्टैब्लिश होगी तो वो क्या होता है, हमेशा अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबल मतलब किसके लिए अकाउंटेबल, जनता के लिए अकाउंटेबल। देखते हैं, वी सॉ द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर इन लीबिया ले विद द मिलिट्री रूलर्स। He was not chosen by the people. The people were compelled to abide by the orders of the military. Janta, the junta was not accountable to anyone. लीबिया में जो मिलिट्री रूलर्स जो वहां का पावर को गेन किया था, वो जो भी रूल बनाता था, जनता के पास उसको अपोज करने का कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे मान लो, लीबिया में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लीबिया का जो रूलर है कर्नल गद्दाफी, मान लो उसने ये बोला कि लीबिया में रहने वाले सारे लोग जो है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खाना नहीं खाएंगे या उस बीच घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो ये रूल अब वहाँ के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे किसी भी आदमी को कितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो, वो सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक बाहर जो है क्या होगा, नहीं निकलेगा। तो लोगों के पास उस नियम को, उस रूल को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहां का जो रूलर है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जनता के पास जब कोई ऑप्शन नहीं है, और ये जो नियम जो लेके आया गया है वो जनता के भलाई के लिए है क्या, कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक नहीं निकलोगे, नहीं, या सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक नहीं निकलोगे, ये जनता के भलाई में लिया गया निर्णय है क्या, नहीं, ये अपने बेनिफिट के लिए कुछ निर्णय, अपने बेनिफिट के लिए कुछ डिसीजन लिया गया होगा। तो जब कोई ऐसा डिसीजन जो कि लोगों के भलाई के लिए नहीं होता है, वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम कभी भी जो है नहीं होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, देखो, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय द पीपल इन लेजिस्लेटिव असेंबली आर सुप्रीम। देयर आर वेरियस वेज इन विच इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। अ टूक ऑफ अ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया विल शो एज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल टू पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव इन मेनी वेज। जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, जो भी रूल्स बनते हैं वो लोगों के सुविधा के लिए बनते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई एक गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ दो तरीके का सिस्टम चलता है, एक स्टेट गवर्नमेंट चलता है और एक क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलता है। तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का प्लान हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान हो, दोनों के दोनों जो नियम कानून योजना जो लेकर आते हैं वो लोगों की भलाई के लिए जो है क्या होते हैं, लेकर आते हैं। जैसे COVID-19 के टाइम पे जो है गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि सबको घर में रहने के लिए बोल रही थी, तो ये क्या अपने फायदे के लिए बोल रही थी क्या, नहीं, वो लोगों के फायदे के लिए बोल रही थी, क्योंकि COVID-19 जो है क्या हो रहा था, बहुत तेजी से कॉन्टैक्ट में आने से जो है क्या हो रहा था, फैल रहा था। तो उस समय लॉकडाउन लगाने का रीजन जो है गवर्नमेंट को मजा करना नहीं था, लॉकडाउन लगाने का मतलब जो था वहां पे लोगों की भलाई थी। तो एक ये डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या है, पहचान है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो हार्श डिसीजन ही क्यों ना हो, वो लोगों के बेनिफिट के लिए जो है डेफिनेटली होते हैं। ठीक है,
इन इंडिया ऑल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव लाइक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिशियल्स आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, हाथी छाप का हो, किसी का भी हो, कोई भी गवर्नमेंट जब स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में हो, जब वो गवर्नमेंट बनती है तो उनका अकाउंटेबल होता है, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोकसभा में, राज्यसभा में, जैसे सेंट्रल का अगर कोई स्कीम आ रहा है तो सेंट्रल के स्कीम जो भी लेकर आ रहा है, चाहे बीजेपी लेकर आ रहा है, चाहे कांग्रेस लेकर आ रहा है, वो अकाउंटेबल होगा किसके लिए, लोकसभा के लिए। मतलब उनको लोकसभा में बताना पड़ेगा कि हमने ये जो योजना, ये जो स्कीम जो लॉन्च की है, ये क्यों की है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। और अगर इसमें कोई अपोजिशन आता है, जैसे मान लो अपोजिशन पार्टी के लोग बोलते हैं कि नहीं, ये लोगों की भलाई के लिए योजना नहीं लाया गया, ये तो अपने फायदे के लिए लाया गया है, तो वो योजना डिसमिस भी हो सकती है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, कोई भी योजना जब बनता है तो वो सबके सहमति से बनता है। वो अगर सेंट्रल का अगर योजना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो उसमें अपने क्या करेंगे, एग्री देंगे, सहमति देंगे, उसके बाद वो रूल पास होगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई नया स्कीम लॉन्च करना चाहती है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर वो रूल, वो स्कीम क्या होगा, पास होगा, और तभी वो क्या होगा, इंप्लीमेंट जो है होगा। तो ये डेमोक्रेसी की क्या होती है, पहचान होती है। तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब समझे, कोई भी स्कीम, कोई भी नया नियम कानून अगर लाया जा रहा है तो उसको पहले जो है इलेक्टेड लोगों को लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करना पड़ेगा, उसको जो है डीसी मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी के पास मेजोरिटी, बीजेपी की सरकार है, जो मन में आए वो योजना सुबह लागू कर दे, शाम को बंद कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो प्रॉपर एक नियम के तहत जो है लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, फिर प्रेसिडेंट का साइन होता है, फिर उसके बाद वो जो स्कीम है वो क्या होती है, लॉन्च होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल गवर्नमेंट मतलब सबके भरोसे को जीतते हुए भी कोई स्कीम या कोई रूल जो है क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट जो है किया जाता है। और अल्टीमेटली वो स्कीम या वो रूल ऐसा होना चाहिए जो लोगों को जो है डिस्टर्ब ना करे, बल्कि लोगों को क्या करे, बेनिफिट करे, इसको बोलते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्शन जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि करेंटली अभी हमारे इंडिया में जो है चल रहा है, 2024 का लोकसभा इलेक्शन।